मिशन 2019 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में नवनियुक्त प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक की। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने राज्य में पार्टी की रणनीति और महागठबंधन पर शरद पवार के बयान को लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने खास बातचीत की। अशोक चौहान इस वक्त हमारे साथ। चौहान जी, जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, अगर बात करें 2019 से पहले क्या तैयारियां और क्या मिशन है इस वक्त? महाराष्ट्र के प्रभारी आज खड़गे जी हुए हैं, तो उनको उनकी इच्छा थी कि महाराष्ट्र के सभी नेताओं से मिले, तो आज उन्होंने जायजा लिया सिचुएशन क्या है, सुझाव क्या है, एक आम तौर पर सहमति किस बात पे हो सकती है, चुनाव आगे कैसे लड़ना चाहिए, गठबंधन कैसा का, एक जनरल चर्चा हुई है और उसके बारे में डिटेल प्रोग्राम पीसीसी वर्कआउट करेगी। लेकिन शरद पवार का एक बयान आया है 2019 से पहले, वो कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं होगा ये जो महागठजोड़ की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत है, स्टेट वाइज अलग अलग इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ उसकी जो फाइनल जो मोडालिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जब नेता इकट्ठा बैठेंगे तो उसमें रास्ता निकल सकता है। धन्यवाद। और जाहिर सी बात है इस बैठक में मिशन 2019 को लेकर चर्चा हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में रणनीति बनाने में जुटी है, लिहाजा इस बैठक के अपने मायने भी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।